जबलपुर शहर में बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 17 साल की किशोरी ने YouTube पर वीडियो देखकर खुद का गर्भपात किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 साल की लड़की गर्भवती थी, जिसकी जानकारी उसे 5 महीने बाद हुई, जिसके बाद उसने YouTube पर एक वीडियो देखकर खुद का गर्भपात किया। हालांकि गर्भपात से लड़की की हालत बिगड़ गई तो उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और तब ये संपूर्ण मामला सामने आया। MIDC पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज इस मामले के संदर्भ में पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने अधिक जानकारी साझा की। ये मामला नागपुर तालुका के एक गांव का है। मिली जानकारी के अनुसार 17 साल की लड़की का 27 साल के युवक से बीते 2 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। एक साल पहले युवक काम के सिलसिले में नागपुर आया था। MIDC इलाके में एक कमरा किराए पर लेकर वो रहने लगा। नतीजनक उनका मिलना कम हो गया, लेकिन अवसर मिलते ही वे मिलते थे। कभी युवक नरखेड़ जाता था तो कभी किशोरी नागपुर आती थी। इसी बीच वो कुछ दिन पहले नागपुर आई थी, जिस दौरान वो वह 2-3 दिन रही। उसके बाद वह गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के कारण लड़की का जी मचलना और उल्टी होना शुरू हुआ। किशोरी ने ये सारी बातें युवक को बताई। क्योंकि वो अस्पताल में काम करता था, इसलिए उसने उसे कुछ दवा दी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि 4-5 महीने की गर्भवती होने पर उसे डर लगने लगा, जिसके बाद युवती ने इस बारे में YouTube पर सर्च किया। तब उसे एक काढ़े की रेसिपी मिली, उसने वो काढ़ा बनाया और पिया तो उसका गर्भपात तो हुआ, लेकिन वो बेहोश हो गई। लड़की के बेहोश होते ही उसके माता पिता ने उसे अस्पताल में भर्ती किया, जिसके बाद ये संपूर्ण मामला सामने आया। मामले की जानकारी नागपुर ग्रामीण पुलिस को दी गई। पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि ग्रामीण पुलिस ने अब मामले को MIDC पुलिस को सौंप दिया है। वही पुलिस उसके प्रेमी की तलाश कर रही है। MIDC पुलिस अंतर्गत गुना नंबर 267/22 कलम 376 दाखिल हुआ है। ये गुना पहले नरखेड़ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ था, फिर वहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया है। जो 17 साल की युवती है, उसका सुनील माने नाम के एक आरोपी के साथ प्रेम संबंध था। प्रेम संबंध होने की वजह से वो गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद उसने YouTube पे देखकर काढ़ा का सेवन करके एबॉर्शन करने का प्रयास किया। प्रकृति खराब होने के बाद वह हॉस्पिटल में उपचार के लिए आई। हॉस्पिटल में जो उपचार के लिए आने के बाद रिपोर्ट पुलिस को मिली, तो पुलिस ने उसका बयान लेने के बाद 376 का गुना दाखिल किया। अभी तक जो जानकारी मिली है, वो जो काढ़ी मीढ़ी काढ़ा रहता है उसका सेवन करने का उसने प्रयास किया था, और उसके बाद उसने और क्या चीज़ें की थी उसकी जानकारी भी मिलना बाकी है। लड़के का भी शोध चालू है, जल्दी लड़का अटक हो जाए।